गंदम की काश का बेहतरीन वक्त मिड नवंबर है और ऐसी फसल जो अपने बेहतरीन वक्त पर लगाई गई हो इस वक्त 100 से 110 दिन के दरमियान हो चुकी है और यही वक्त है जब गंदम में दानों की तादाद का तायुन हो रहा होता है और फी मन पैदावार का तायुन भी इसी दौरान होता है। किसानों को चंद जरूरी एहतियाती तदाबीर इसी दौरान करनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि गोब की हालत और गंदम की पकाई के दरमियान जो एहतियाती तदाबीर हैं क्या क्या हैं जिससे किसान 40 मन की बजाय 60 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं। लंबा सिटा, मोटा दाना और बीमारियों से महफूज फसल ही 60 मन से जायद पैदावार देने की सलाहियत रखती है। इस वक्त गंदम की वेजिटेटिव ग्रोथ तकरीबन पूरी हो चुकी है, इसलिए अब तवज्जा सिट्टे की बढ़ोतरी पर देनी चाहिए। गोब की हालत में पोटाशियम का स्प्रे जरूरी होता है। फसल को रस्ट, लूस मट, तेला और दीगर बीमारियों से फौरी बचाना भी जरूरी है। बर वक्त जरूरत के मुताबिक पानी लगाना और मतवाजन खादों का इस्तेमाल, ये सब अवामिल मिलकर गंदम की पैदावार 30 मन फी एकड़ से 60 मन तक ले जा सकते हैं।